नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुख करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लीकेज होने से 3 कर्मचारियों के साथ एक मरीज अटेंडेंट को चोट आई है। शनिवार को खरगोन के ग्राम ऊन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उस वक्त आफत तफरा मच गई जब सांप काटे छिपीपुरा निवासी सुखलाल उम्र 60 वर्ष को इलाज के दौरान ऑक्सीजन लगाने के लिए कर्मचारियों द्वारा सिलेंडर को खोलने के दौरान उसका लगा ढक्कन स्लिप हो गया। बड़ी तेजी से गैस रिसाव से एक बड़ा ब्लास्ट की आवाज के साथ ऑक्सीजन गैस पूरे ओपीडी कक्ष में फैल गई, जिससे सभी कर्मचारियों के साथ मरीज व अटेंडर भी जान बचाकर भागे। ऑक्सीजन सिलेंडर ऊपर लगी कांच की शीशी फूटने से हॉस्पिटल के कर्मचारी विजय चौहान खुमसेह तपर इम्तियाज खान की सांप काटे मरीज अटेंडर को हाथ पर मामूली चोट आई है। घटना देर कुछ बाद सांप काटे मरीज की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खेत में काम करते समय सांप ने काट लिया था। हालांकि इस पूरी घटना पर हॉस्पिटल प्रबंधन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा। खरगोन से विष्णु वाघे की रिपोर्ट। कि गैस सिलेंडर कैसे फूट गया, क्या कर रहे थे? नहीं, उसको प्रेशर खोलने में वो ज़्यादा स्लिप हो गया, उस कारण से उसके पाइप का जो कांच था वो फूट के यहाँ पे लगा। किसको लगाया? मेरे को लगा और एक अटेंडर था तो उसको तो हल्का सा लगा। अच्छा, वो अटेंडर को का इलाज गैस लगाने की? हाँ, वो पकड़ के बैठा था और पूरा हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई थी। हाँ, वो एकदम से गैस लीकेज हुई तो सब भगदड़ मच गई थी।